वाना में जलसे के खिताब कंदे वजीर आजम इमरान खान चयो त मुल्क के बेदर्दी सा लुटे पैसो बाहर मोकलियो वियो जे सबब मुल्क कर्दी बणजी वियो आ। वजीर आजम इमरान खान चयो त गुजरियल 10 सालन में बिन पार्टीन कौमी नाणे जी फुलट कई आई मनी लॉन्ड्रिंग जरिए पैसो बाहर मोकलियो वियो। मनी लॉन्ड्रिंग सा मईशत के नुकसान थींदो आए आई रुपए जो मुल्ल घट थी वेंदो आए। संदस चवण हो तो समूरा चोर जमूरियत बचाने के नाले से गद थी वन मू चाहन पाया तो दबा विधो वे जी हुकूमत का एनआरओ मिली वे वाजह कर चाहे तो जैं भी मुल्क के लुटो है उनत नी नई कें एनआरओ मिलों। वजीर आजम इमरान खान चयो तो संदस इक्तदार में अचण जो मकसद करप्ट मानुन के शिकस्त देना ही मुल्क के तरक्की दियण है। जेस तई लुटल पैसो वापस नी तेस तई जुदोजहद जारी रही। जिन्होंने पिछले 10 साल मुल्क लूटा इन सब का एक मकसद है कि किसी तरह इमरान खान को जोर लगा के एनआरओ ले लो ताकि इमरान खान उनकी करप्शन और चोरी को माफ कर दे। तो आया था इनका एहतसाब करने और जब तक मैं जिंदा हूं मैंने इनको जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है ना कभी कोई एनआरओ होगी ना मैं इनको माफ करूंगा। जब तक मैं इनका पैसा वापस नहीं लेके आऊंगा मैं कभी जदोजहद नहीं रोकूंगा अपनी। वजीर आजम इमरान खान मौलाना फजल रहमान के टीम जो बारहों रांदीगर करार डींदे चयो तो मौलाना जी कीमत सस्ती है एक कश्मीर कमेटी जी चेयरमैनशिप आई बियो डीजल जी परमिट दिनी वने। उन चयो तो हू बिलाल जिया सियासत में पर्चिए ते ना आयो वडी जदोजहद बाद इन मंजिल ते पोतो आए। वैसे मौलाना फजल रहमान का तो बड़ा सस्ती कीमत है एक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन और एक डीजल का परमिट दे दो मौलाना साथ आ जाएंगे। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था कि जी मुझे वालदा ने जायदाद में पार्टी दे दी है मैं मेहनत करके आया था। वजीर आजम इमरान खान चयो तो कबायली इलाकन के मसलन का चंगी रीत वाकुफ है और तकलीफुन जो एहसास है हमेशा कबायलन लाए पार्लियामेंट में आवाज़ उथारियो रियासत इंसाफ दींदी और कबायलन के मुकम्मल इंसाफ दियारो वो इंसाफ से ही कौमू ठंदी। वजीर आजम इमरान खान चयो तो कुछ मानू डफेड़ पखड़े रहा है खेन कबायली इलाकन में अमन घुर्जे हू पाकिस्तान के मदीने जड़ी रियासत बनाई। उन अग दक्षिण वजीरस्तान में कबायली अगवाणन के खिताब कंदे वजीर आजम चयो तो वजीरस्तान की आवाम की दुख्याय नहीं रवायतन बाबत चंगी रीत जान है। वजीर आजम चयो तो कबायलिन मुल्क लाए जेके कुर्बानी दिनियों उन बाबत सभी के खबर आए हू आवाम जहा मसला हल कर लाए वजीरस्तान आयो है। इमरान खान चयो तो पाकिस्तान की तारीख में अमीर वधिक अमीर और गरीब वेतर गरीब थी वो है। सिंध की बाराणन दक्षिण पंजाब और कबायली इलाका पुटते रह वह कि हमारे कबायली इलाके के लोग पीछे रह गए हैं। हमारे यहाँ कबायली इलाके के बच्चों को तालीम चाहिए सेहत चाहिए इनको इदारे चाहिए इनको यूनिवर्सिटीज चाहिए इनको डिग्री कॉलेजेस चाहिए इनके लिए रोजगार के मौके चाहिए। ये बलूचिस्तान के इलाके पीछे रह गए हैं अंदरून सिंध के इलाके पीछे रह गए हैं जनूबी पंजाब के अंदर इलाके राजनपुर वो पीछे रह गए हैं। आज तक क्या पाकिस्तान में क्या हुआ है 70 साल में अमीर अमीर हो गया गरीब गरीब हो गया कई इलाके में सारा पैसा खर्च करके वो ऊपर चले गए बाकी इलाके पीछे रह गए। तो हमने ये चेंज करना है और इंशाल्लाह ये मेरा नजरिया का हिस्सा है। उन्हें चयो तो मुल्क हलाने लाए पैसो घटाए आवाम गणती न करे मुल्क घणो अमीर आए जल्द तब्दीली नजर आंदी। संद चवण हो तो कबायली रोजगार लाए मुल्क का बाहर ही बिन सूबन डा वन था जेस तई समूरन इलाकन के मथे न आंदो वो तेस तई मुल्क तरक्की न करे सकंदो। कबायलिन सदाई पाकिस्तान लाए कुर्बानी दिनों।